खुद को भाजपा नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी का नाम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आज उनकी मेरठ में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मगर खुद को भाजपा नेता बताने पर आखिर लोगों का क्या सोचना है कि क्या भाजपा नेता के द्वारा किसी महिला के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है? लोगों से जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, लोग क्या कहते हैं इस विषय में। श्रीकांत त्यागी का नाम इस समय चर्चा में है, वो खुद को भाजपा नेता बता रहे हैं, डिप्टी सीएम के साथ उनकी फ़ोटो भी वायरल हो रही है। इस तरीके के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम भी एक तरह के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से या किसी कारणवश उनसे मिल सकता है। आप क्या हमारे साथ भी, हम लोग आम आदमी, कोई भी आ सकता है, फ़ोटो खिंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिप्टी सीएम जी से संबंध है, ठीक। और भाजपा कभी ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लोगों का समर्थन करती ही नहीं जो एक नारी का अपमान करते हों, जो कानून और हमारे संविधान के विरुद्ध रहते हों। भाजपा, आरएसएस ने तो हमें जीवन, नए जीवन जीने का, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम सब आरएसएस ने हमको सिखाया। धर्म के लिए, देश के लिए मर मिटना, देश के लिए प्रेम करना, स्वयं का पैसा लगा के हमको स्वयं सेवक होना सिखाया। स्वयं का पैसा लगा कर हम लोग दूसरे का सेवा करते हैं, हमें किसी चीज़ की लिए किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात हमारे इस फोटो वायरल की, तो डिप्टी सीएम के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम के ऊपर ब्लेम करता है कि इनके संपर्क में है, तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता निम्न प्रकार की होगी। असल में विपक्ष जो है वो लगातार इसमें निशाना साध रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ऐसा कृत किया है, और इसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, विपक्ष में श्रीमान जी कौन ऐसा कर रहा है, आप बताइए। कांग्रेसियों की बात, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए भैया, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सूट के ऊपर से जनेऊ पहनना ये तो हिंदुत्व के विरुद्ध है, देश में ऐसा किसी ने नहीं किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनका काम है कहना, आलोचना करना। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और देश के ऐसे न जाने कितने भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री, जो दिन रात 24 घंटा अपनी निजी स्वार्थ को त्याग कर देश के लिए, मानवता के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं। हमारे मोदी जी तो पता नहीं कब सोते हैं, उनको नींद में भी वो, मुझे लगता है कि बस मातृभूमि की सेवा के बारे में ही सोचते होंगे। 24 घंटे निरंतर प्रयास करने वाले मोदी जी के साथ हम लोग 24 घंटे खड़े हैं। और रही बात डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम बिल्कुल इसमें सारे आरोप प्रत्यारोप सब तर्क विहीन है। भैया, श्रीकांत त्यागी जैसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि श्रीकांत त्यागी का नाम जो आ रहा है डिप्टी सीएम के ऊपर, तो डिप्टी सीएम हो चाहे मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई किसी के साथ भी फोटो खिंचवा सकता है। फोटो खिंचवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के समय में लोग हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ मतलब कहीं ना कहीं फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। फ़ोटो तो कभी भी कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, जो गलत है वो गलत है। तो भैया, फिलहाल श्रीकांत त्यागी जैसे नेताओं का अब लोग भी विरोध कर रहे हैं और उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।